नेक्स्ट एग्जाम। तो आज हम कुछ ऐसे ही विषय पर चर्चा करेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर्स कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, अभी हाल ही में 24 अक्टूबर बीता है, ठीक है। तो 24 अक्टूबर को आपका विश्व पोलियो दिवस मनाया गया है। कितने को? 24 अक्टूबर को हाल ही में विश्व पोलियो दिवस मनाया गया है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया है, तो 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया गया है, ठीक है। डेट याद कर लीजिए आप, 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया गया। थीम क्या थी इस बार की? थीम है एविन अगेनिस्ट पोलियो, अविन अगेनिस्ट पोलियो इज विन फॉर ग्लोबल हेल्थ, ये इस बार का थीम था। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया गया है जिसका थीम है एविन अगेनिस्ट पोलियो इज विन फॉर ग्लोबल हेल्थ, ये इस बार का थीम था। अब इससे संबंधित कुछ अन्य मैटर भी देख लेते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे नाइजीरिया हाल ही में पोलियो मुक्त देश घोषित किया गया है। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हाल ही में किस देश को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है, तो आप बताएंगे नाइजीरिया को। नाइजीरिया को हाल ही में पोलियो मुक्त देश घोषित किया गया है। और दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसके साथ और जान लीजिए, इसी नाइजीरिया के साथ पूरा अफ्रीका पोलियो फ्री हो गया है, ठीक है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट आपका पोलियो फ्री स्टेट हो गया है या पोलियो फ्री कॉन्टिनेंट हो गया है। तो नाइजीरिया जो हाल ही में पोलियो मुक्त देश हुआ है, तो इसी के साथ पूरा अफ्रीका महाद्वीप पोलियो से मुक्त हो गया है। तो अगर आपसे एग्जाम पूछे हाल ही में कौन सा महाद्वीप पोलियो से मुक्त हो गया है, तो आप बताएंगे हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप पोलियो से मुक्त हो गया है। और अफ्रीका में कौन सा अंतिम देश था जो पोलियो मुक्त हुआ है, तो नाइजीरिया वहाँ का लास्ट देश है जो कि पोलियो से मुक्त हुआ है। उसी के साथ पूरा अफ्रीका पोलियो से मुक्त हो गया है। तो इसलिए नाइजीरिया की राजधानी भी याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। राजधानी यहाँ की है एबूजा, ठीक है दोस्तों। तो नाइजीरिया की राजधानी एबूजा है। और यूएन डे संयुक्त राष्ट्र दिन जो है वो भी 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। तो 24 अक्टूबर को आपका विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है जिसकी थीम थी इस बार एविन अगेनिस्ट पोलियो इज विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। नाइजीरिया को अभी हाल ही में पोलियो मुक्त घोषित किया गया है। इसी के साथ पूरा अफ्रीका महाद्वीप पोलियो मुक्त हो गया है। नाइजीरिया की राजधानी एबूजा है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। और 24 अक्टूबर को यूएन डे मनाया जाता है। आइए देखते हैं अगली टॉपिक। दोस्तों, अगली टॉपिक अंडोरा देश से संबंधित है। अंडोरा जिसको हाल ही में IMF का 190वां देश बनाया गया है, ठीक है। अंडोरा IMF का 190वां देश बना है, 119th कंट्री ऑफ द IMF, ठीक है। तो अंडोरा बिकेम 190th कंट्री ऑफ द IMF। तो अंडोरा हाल ही में 190वां देश बना है किसका? IMF का, ठीक है। राजधानी क्या है अंडोरा की? इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी IMF का नया देश जुड़ा है। अंडोरा 190वां देश है तो इसकी राजधानी पूछी जा सकती है। तो अंडोरा की आपकी राजधानी जो है वो अंडोरा ला वेला है, ठीक है। IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या फुल फॉर्म होता है IMF का? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। स्थापना कब हुई थी इसकी? तो IMF की स्थापना 1945 में हुआ था और इसका जो मुख्यालय है यह Washington DC में है, ठीक है। तो स्थापना 1945 में, मुख्यालय इसका Washington DC है। और इस समय IMF के अध्यक्ष क्रिस्टिलिना जॉर्जीवा हैं, जो कि कई एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो इसलिए इसे देखते रहिए, जितना भी ट्रेडिशनल पार्ट है मैं उसको भी लेके चल रहा हूँ।
तो इसी बात पे आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल को पहुँचाइए। ये आपकी जिम्मेदारी है कि हम आपके लिए दिन रात खड़े होकर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। एक बच्चा केवल 10 लोगों के पास चैनल को पहुँचाए तो भी बहुत सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आइए देखते हैं अगला टॉपिक, उत्तर रेलवे। तो उत्तर रेलवे ने, नॉर्थ इंडियन रेलवे ने अभी हाल ही में बैग ऑन व्हील सेवा की शुरुआत की है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है बैग ऑन व्हील सेवा की शुरुआत किसने की है, तो आप बताएंगे बैग ऑन व्हील सेवा की शुरुआत उत्तर रेलवे ने की है। ठीक है, किस रेलवे ने की है? नॉर्थ इंडियन रेलवे ने, उत्तर रेलवे ने की है। किस सेवा की शुरुआत? बैग ऑन व्हील सेवा की शुरुआत। मतलब क्या है? लगेज को घर तक पहुँचाना। ठीक है, तो उत्तर रेलवे ने एक पहल की है बैग ऑन व्हील सेवा की शुरुआत। इसमें होगा क्या कि आपकी जो लगेज है उसको आपके घर तक रेलवे पहुंचवाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा बैग ऑन व्हील सेवा किस रेलवे द्वारा शुरू किया गया है, तो उत्तर रेलवे द्वारा शुरू किया गया। आइए देखते हैं अगले टॉपिक आपकी नीति आयोग से संबंधित है दोस्तों। तो फ्रेंड्स अगली टॉपिक हम देखने चल रहे हैं नीति आयोग। तो आइए देखते हैं नीति आयोग के बारे में क्या नई चीज़ है जो इस समय करंट में चल रही है। तो दोस्तों अभी हाल ही में शहरी शिक्षा नीति में सुधार हेतु तो एक पैनल गठित किया गया है। ठीक है, नीति आयोग के द्वारा शहरी शिक्षा में सुधार हेतु तो एक पैनल का गठन किया गया है। तो इसे याद रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि नीति आयोग ने एक पैनल का गठन किस क्षेत्र के लिए किया है, तो शहरी शिक्षा नीति में सुधार करने के लिए नीति आयोग ने एक पैनल गठित किया है। अब देख लेते हैं नीति आयोग से संबंधित तथ्य जो कि ट्रेडिशनल है लेकिन एग्जाम में आने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्थापना जो है, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में किया गया था। कब? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग को समाप्त करके उसकी जगह पर नीति आयोग शुरू किया था। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। किसको समाप्त करके? योजना आयोग को समाप्त करके हुई थी। अध्यक्ष इसका कौन होता है नीति आयोग का? तो दोस्तों नीति आयोग का अध्यक्ष जो वर्तमान प्रधानमंत्री रहेगा वही होगा। यही सेम फैसिलिटी आपकी योजना आयोग में भी थी। योजना आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता था, उसी तरीके से नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होगा। वर्तमान में उसके CEO कौन से हैं? एग्जाम में आपसे पूछ सकता है नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है इस समय, तो वर्तमान समय में नीति आयोग के CEO आपके अमिताभ कांत हैं। कौन है दोस्तों? अमिताभ कांत हैं। उपाध्यक्ष इस समय इसके राजीव कुमार हैं। ठीक, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। अध्यक्ष इसका प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान समय में नीति आयोग के CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत जी हैं एंड इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। ठीक है, ये प्रमुख चीज़ होगी नीति आयोग के बारे में। आइए देखते हैं अगला प्रमुख करंट अफेयर कौन सा है। तो दोस्तों अब छत्तीसगढ़ चर्चा में है। किस लिए? चूँकि वहाँ हाल ही में स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है। तो अगर आपसे पूछता है स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान कहाँ शुरू किया गया है, तो आप क्या बताएंगे? तो फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ पे हाल ही में स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है। तो एग्जाम में आपसे सवाल पूछेगा स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान कहाँ पे शुरू किया गया है, तो स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। इसी के साथ हम छत्तीसगढ़ में चलाई गई कुछ अन्य परियोजनाओं के बारे में, योजनाओं के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो कि पिछले PCS एग्जाम 2020 में भी हाँ भी चुका है और आने वाले एग्जामों में इसके आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। दोस्तों राजधानी छत्तीसगढ़ की अगर कभी पूछे तो राजधानी छत्तीसगढ़ की रायपुर है और इस समय वहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं उनका नाम आपका भूपेश बघेल है। तो भूपेश बघेल जी इस समय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, राजधानी वहाँ की रायपुर है और बहुत इम्पॉर्टेंट 3 महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ छत्तीसगढ़ के बारे में जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, लोकसभा चुनाव के समय राहुल गांधी जी ने न्याय योजना की चर्चा की थी जिसमें वो साल भर में 72,000 रुपये देने की बात कर रहे थे। तो ये योजना शुरू की गई छत्तीसगढ़ में, राजीव गांधी किसान न्याय योजना वहाँ पे शुरुआत की गई उसी के बेस पे।
ठीक है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे राजीव गांधी किसान न्याय योजना कहाँ पे शुरू की गई है, तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना आपकी छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। ई लोक अदालत एग्जाम में आपसे पूछा था पहली ई लोक अदालत कहाँ शुरू की गई है, तो छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। गोधन योजना, गोधन योजना भी आपके छत्तीसगढ़ में ही शुरू की गई है। गोधन योजना में 2 रुपये पर किलोग्राम गोबर खरीदा जाएगा किसानों से। तो सरकार ने ये योजना शुरू की है कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। ई लोक अदालत कहाँ शुरू हुआ, छत्तीसगढ़ में। राजीव गांधी किसान न्याय योजना कहाँ शुरू हुई है, छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ की प्रमुख चीज़ें हमने देख ली कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी योजनाएँ शुरू की गई हैं। इसके आगे देखते हैं कर्नाटका के बारे में। अगला टॉपिक आपका है कर्नाटका। तो हाल ही में कर्नाटका ने नई औद्योगिक नीति जारी की है। हाल ही में कर्नाटका ने नई औद्योगिक नीति जारी की है। 2020 से 2025 तक के लिए उसने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है। तो अगर आपसे अभी आने वाले किसी भी एग्जाम में सवाल पूछे कि हाल ही में नई औद्योगिक नीति 2020-25 की घोषणा किस राज्य ने की है, तो कर्नाटका ने की है। PCS वाले एग्जाम में सवाल आया था हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नीति लाने वाला प्रथम स्टेट कौन सा हुआ है, तो फर्स्ट स्टेट वाज दिल्ली, ठीक है। तो ऐसी कोई भी नीति जो पहले कोई राज्य लाता है तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक नीति पूछ लिया आपसे दिल्ली, उसी तरीके से नई औद्योगिक नीति 2020 से 2025 की घोषणा करने वाला राज्य कौन सा हुआ, कर्नाटका। कर्नाटका के हुबली में ही रेलवे संग्रहालय बनाया जा रहा है। ये सवाल भी अब की बार पीछे पूछा था, कर्नाटका के हुबली में रेलवे संग्रहालय बनाया जा रहा है और कर्नाटका के हुबली में ही दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, ठीक है। हुबली में ही दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, हुबली में ही रेलवे संग्रहालय बनाया गया है। हुबली और कर्नाटका नई औद्योगिक नीति 2020-25 की घोषणा करने वाला पहला राज्य है, ठीक है। तो ये प्रमुख 6 टॉपिक हमने डिस्कस किया। इसके आगे आज के करंट अफेयर की टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4 टॉपिक पे और डिस्कशन करेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, टॉप 6 टॉपिकों पे हमने चर्चा की कर ली है। इसके आगे अब हम आज के बचे हुए जो अन्य 4 और टॉपिक हैं उन पे चर्चा कर लेंगे, तो आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स के टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं अगला करंट अफेयर क्या है। दोस्तों, अभी हाल ही में नाटो चर्चा में रहा है। नाटो का फुल फॉर्म आप लोग जान ही रहे होंगे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। पूछ लेता कभी कभी एग्जाम में, छोटे एग्जाम में, कि नाटो का फुल फॉर्म क्या है, तो नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो नाटो चर्चा में क्यों रहा है, नाटो चर्चा में इसलिए रहा है कि जर्मनी में अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने पर सहमति दे दी है नाटो ने, ठीक है। नाटो ने जर्मनी में अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने पर सहमति दे दी है, इसीलिए चर्चा में है। जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और किस नदी के तट पे है, स्प्री नदी के तट पे है, स्प्री नदी के तट पे है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है, शहरों को या राजधानियों को मिलाने के लिए दे दिया जाता है कि कौन सी नदी किस राजधानी के किनारे, सॉरी कौन सी राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है, ये भी दे दिया जाता है। तो आप पहले करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण है कि नाटो ने जर्मनी में अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने पर सहमति दे दी है, ठीक है। नाटो का फुल फॉर्म हमने देखा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है किसका, नाटो का। नाटो की स्थापना कब हुई थी, 1949 में। अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछे तो नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में, हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स, ठीक है, ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। और इस समय उसके अध्यक्ष कौन है, सेक्रेटरी जनरल उनको बोला जाता है, अध्यक्ष को, ठीक है। क्या बोला जाता है, सेक्रेटरी जनरल, SG मैंने लिखा है, SG का मतलब है सेक्रेटरी जनरल, तो वो है आपके जेंस स्टोल्टेनबर्ग, ठीक है। जर्मनी की राजधानी मैंने बताया बर्लिन है, किस नदी के तट पे है, स्प्री नदी के तट पे है। आइए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, भारत। भारत से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक चर्चा में है, वो क्यों है, कि ILO ने गवर्नर बॉडी की चेयरमैनशिप 35 वर्षों बाद मिली है। भारत को ILO के गवर्निंग बॉडी की चेयरमैनशिप 35 वर्षों बाद मिली है, मतलब 35 वर्ष बाद भारत ILO के गवर्नर बॉडी की अध्यक्षता करेगा।
तो आईएलओ की अध्यक्षता भारत को 35 वर्ष बाद मिली है। कितने वर्ष बाद मिली है? 35 वर्ष बाद मिली है। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले कि इस समय आईएलओ की अध्यक्षता कौन कर रहा है। तो आपको पता रहेगा कि वर्तमान समय में आईएलओ की अध्यक्षता भारत को मिली है और 35 वर्षों बाद मिली है। आईएलओ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ का फुल फॉर्म होता है। 35 वर्षों बाद चेयरमैनशिप मिली है। स्थापना कब हुई थी आईएलओ की? तो आईएलओ की स्थापना 1919 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड की राजधानी। ठीक है, स्विट्जरलैंड की राजधानी है आपकी जिनेवा। ठीक, तो हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है। स्थापना 1919 में हुई थी। अध्यक्ष इस समय गाय राइडर हैं। तो ये हो गई नाटो और भारत से संबंधित प्रमुख चीज़ें जिस पर चर्चा करनी थी। आइए अब इसके आगे देखते हैं अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो आपका अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है ब्राज़ील। ब्राज़ील चर्चा में क्यों रहा है? ब्राज़ील ने अभी हाल ही में चीन से कोविड 19 के टीके के खरीद को खारिज कर दिया है। ठीक है, ये अफवाह चल रही थी कि ब्राज़ील ने चाइना से कोविड 19 के टीके को ख़रीदा है, तो उसने खारिज कर दिया है कि वो वहाँ से कोई टीका ना ख़रीदा है ना ख़रीदेगा। ठीक है, तो चीन से कोविड 19 के टीके के खरीद को खारिज करने वाला देश कौन सा है? ब्राज़ील। तो अगर आपसे पूछे किस देश ने चाइना से टीका खरीदने से मना किया है, खारिज कर दिया है, तो ब्राज़ील ने चीन से कोविड 19 मतलब क्रोनो वायरस डिसीज 2019 कोविड 19। तो कोविड का फुल फॉर्म क्या होता है? क्रोनो वायरस डिसीज 19 का मतलब 2019 के टीकों को खरीदने से खारिज करने वाले देश का नाम आपकी ब्राज़ील है। राजधानी ब्राज़ील की क्या है? ब्राज़ीलिया। तो दोस्तों ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। इस समय वहाँ के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति कौन है? जेयर बोल्सोनारो। तो वर्तमान समय में ब्राज़ील के राष्ट्रपति आपके जेयर बोल्सोनारो हैं। राजधानी वहाँ की ब्राज़ीलिया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताने चल रहा हूँ आपको, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। ब्राज़ील विश्व का एकमात्र ऐसा देश है, विश्व का एकमात्र ऐसा देश है ब्राज़ील जहां से मकर व विषुवत रेखा दोनों गुजरती है। तो ब्राज़ील विश्व का मात्र एक ऐसा देश है जहां से मकर और विषुवत रेखा दोनों गुजरती हैं। ठीक है, याद रहेगा मकर, विषुवत और कर्ग तीनों जहां से गुजरती हैं, उस महाद्वीप का नाम अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं कर्क, मकर और विषुवत रेखा गुजरती है। उनमें से ब्राज़ील विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां से मकर और विषुवत रेखा दोनों गुजरती हैं। आइए देखते हैं अगला टॉपिक। तो अगला चर्चा में है आपका NTPC। फुल फॉर्म क्या होता है NTPC का? नेशनल NETIONL नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। NTPC का फुल फॉर्म है आपके नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो अभी हाल ही में फोर्स पत्रिका ने एक रिपोर्ट जारी किया है। तो फोर्स द्वारा जारी वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 याद रखिएगा, फोर्स पत्रिका द्वारा जारी वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 के तहत सार्वजनिक उपक्रमों की सूची में शीर्ष स्थान पर रहा कौन? NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो फोर्स द्वारा जारी वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 के तहत सार्वजनिक उपक्रम की सूची में पहला स्थान किसको मिला है? NTPC को मिला है। NTPC की स्थापना कब की गई थी? तो 1975 में NTPC की स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है कि फोर्स द्वारा जारी वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 के तहत सार्वजनिक उपकरणों की सूची में सार्वजनिक उपक्रम जितने हैं, कंपनियां जितनी हैं, गवर्नमेंट, ठीक है, तो उनमें पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ? आपके NTPC को प्राप्त हुआ। स्थापना 1975 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। तो दोस्तों हमने आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स के टॉपिक पर डिस्कशन किया है, उसके ट्रेडिशनल पार्ट पर और उसके करंट पार्ट पर भी हमने डिस्कस किया है। अगले दिन इसी टाइम पे सुबह 8 बजे आपको अगले दिन का करंट अफेयर प्रोवाइड कराया जाएगा।
दूसरी आपसे जो प्रमुख रिक्वेस्ट मेरी ये है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों को इसे रिकमेंड करिए कि यहाँ पे एक सर हैं जो कि करंट अफेयर बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। देखते रहिए लर्नर्स अड्डा चैनल। धन्यवाद।